मध्य प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले बगावत, विरोध और दल बदल का सिलसिला जारी है। आज मध्य प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से कई कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई बड़े चेहरों के साथ ये आम कार्यकर्ता भी जो हैं वे आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव के पहले जो दल बदल चलता है उस पर इनकी राय क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? भीकनगांव विधानसभा से हैं जी। आप कांग्रेस से बीजेपी में आए? कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। सर ये बताएं, जब एक दल से दूसरे दल में कोई भी कार्यकर्ता आता है कितना समय लगता है उसको रचने बसने में? बहुत समय लगता है, लेकिन वो होता है कि कांग्रेस के साथ हम बरसों से काम कर रहे थे और बरसों से काम करने के जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता जो थे, मैं खुद 20-25 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहा हूँ, लेकिन 10 वर्षों से विधायक महोदय ने सारे संगठन के सारे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए, सभी की उपेक्षा करते हुए, किसी को मान सम्मान नहीं देना और संगठन को तहस नहस कांग्रेस के कर दिए, उससे क्षुब्ध होकर और हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन आज करे हैं। सर बात ये है कि समस्या और परेशानी जो थी, शिकायत थी, हाँ, वो तो हमने सुन ली है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक दल से जब व्यक्ति दूसरे दल में आता है तो दूसरे दल की विचारधारा से समझने में, उसकी ट्रेनिंग लेने में, उस तक पूरी तरह अच्छी तरह समझ के जनता तक उस विचारधारा को ले जाने में कितना समय लगता है, क्या लगता है? नहीं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे हमारे भाजपा के भाइयों से धीरे से सामंजस्य बैठा के, और हम भाजपा की रीति नीति को गली गली ले जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले ले जाएंगे, और उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे मिलके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप बताइए कि आप बीजेपी में आ गए, अब स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पहले तो कंपटीशन था आपका उनसे, अब दोस्ती कैसे करेंगे? एडजस्ट तो सब हो जाते हैं, सब विचारधारा वैसे क्या है कि वो एडजस्ट कर लेंगे आपको, मतलब जो पुराने जिनसे दुश्मनी रही, बुराई कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो नेताजी ये बताइए, अब जैसा वो कह रहे थे 6 महीने लगेंगे, जब तक तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर रीति नीति नीचे कैसे लेके जाएंगे? वो क्या है कि एक ग्रामीण परिवेश से लेके आए हैं, वो आज तक बैठ में ये हुआ नहीं उनका, लेकिन क्या है कि एडजस्टमेंट तो हो जाता है भाजपा में। वैसे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता क्या है, जो राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, लेकिन उनसे मिलते हैं, साथ बैठते साथ उठना है, मतलब विचारधारा एक दूसरे हो सकती, लेकिन एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में जा रहा है तो उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बोलेंगे है ना? बोलेंगे राजा, आप बोलेंगे? बोलिए, अभी बीजेपी में आए कांग्रेस से? हाँ हाँ। आप कहाँ से हैं? खोई, खोई। पूर्व सरपंच। अच्छा, पूर्व सरपंच हैं आप, सरपंच रहे हैं, कई जनता आपको सुनती होगी, देखती होगी, फॉलो करती होगी, आप उप सरपंच सरपंच रहे हैं, तो अब कांग्रेस से अचानक आप बीजेपी में कैसे आ गए? हम इसलिए आए, कांग्रेस पार्टी ने हमको अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला हमको। क्या लाभ चाहिए? कुछ भी, हम आज से 8 साल सरपंच को तो सरकार लाभ देती है ना सर, तमाम स्कीम में जो सरकारी स्कीम्स होती हैं। विधायक के द्वारा अभी तक हमको कुछ भी काम नहीं मिला। कांग्रेस के विधायक होते हैं, यानी विधायक कांग्रेस के हैं, अनदेखी कर रहे हैं कांग्रेस हमको। अभी कांग्रेस के जो विधायक है हमको जानते भी नहीं है, सरपंच को भी नहीं जानते हो, ऐसा इसलिए हमको आना पड़ा। अब जानेंगे जो बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में जो विधायक हैं वो जानते हैं आपको? राम डोंगरे जानेंगे ना? अभी जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं ना सर, मतलब पहले से उनकी मीटिंग्स में आप? हाँ, पहले से ही है, समाज से ही है। सर मैं ये समझना चाह रहा था, समस्याएं तो हमने सुनी कि क्यों बीजेपी में हम आए, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि जब हम बीजेपी में आते हैं, किसी भी दल में नहीं थे जैसे आप, या फिर दूसरे दलों से आते हैं, तो कितना समय लगता होगा बीजेपी की या जिस भी दल में जाते हैं उसकी विचारधारा समझने में, ट्रेनिंग लेने में, और फिर उसको क्योंकि जनता तक भी लेकर जाना? देखो मैं अभी 1 महीना पहले SDP था निवाड़ी में, और मैंने सरदारपुर में 26 महीने काम किया है, तो मैंने बहुत अच्छे से अपने एरिया को समझा है, लोगों की समस्याएं क्या क्या है, उस पर कितना सुनने वाली बात और उनको करने वाली बातें हैं, ये मैंने पूरा आकलन किया है। मेरी टोटल सर्विस है 38 साल, 38 साल में मैंने कांग्रेस का शासन देखा, बीजेपी का शासन देखा है, और इस वक्त मैंने जो निर्णय लिया है, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है गरीब के लिए और आम आदमी के लिए, वो मुझे बहुत पसंद आया, और इसलिए मैं प्रभावित होकर और आगे मैं बीजेपी के साथ जुड़कर और निरंतर काम करना चाहता हूं, बस जनता का आशीर्वाद चाहिए। ठीक सर, आप भी आज बीजेपी ज्वाइन किया? नहीं जी, आप लोग पहले से बीजेपी? पहले से बीजेपी। तो आप एक बात बताइए, आपसे ही बात कर लेते हैं, जैसे कुछ कांग्रेस के मित्र बहुत सारी संख्या में आज जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपके इधर से भी कुछ लोग हुए होंगे,
तो जब हम चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला होता है, बुराइयां भी होती हैं बहुत सारे स्थानीय स्तर पर। अब जब बुराइयां जिनसे हुई हैं वो अब आपके ही साथ आ गए हैं, तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? बुराइयां कुछ नहीं होती है, चुनाव अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। जब एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, जब उसके अंदर से कुछ पीड़ा होती है, तब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। और भारतीय जनता पार्टी वही व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है जिसको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में फर्क नहीं रखती है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। और आपने इससे पूर्व में एक प्रश्न पूछा था कि कितना समय लगता होगा समझने में, लेकिन समझ में कोई समय नहीं लगता, क्यों? जनता पहले समझ के फिर ज्वाइन करती है, उनको लगता है। मैं कैडर बेस की प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ, पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो इसीलिए कि विचारधारा से, रीति रीति से, पद्धति से, प्रारूप से समझ कर नीचे तक अच्छे से पहुंचा सकें बात। कार्यकर्ता क्या होता है, जब भारतीय जनता पार्टी जो जुड़ता है ना, वो पहले से उसकी सारी ट्रेनिंग है दिमाग में रख लेता है कि भारतीय जनता पार्टी सही बोलती है, सही करती है, तब जाके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने लगता है। यही मानना, उसकी विचारधारा ही जो है पहले बदल गई है तभी वो आया, बस उसकी जो अच्छी विचारधारा थी, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत ही नहीं विचारधारा। मैं खुद की आवश्यकता ही नहीं होती ना, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या, वो आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे कि क्या है कि कांग्रेस का कार्यकाल जनता देख चुकी है, फिर कुछ क्षणों बाद, जैसे कुछ वक्त के बाद बीजेपी की जो कार्यश्रेणी होती है वो देखती है, तो उसमें जनता खुद समझ चुकी होती है। यानी तहे दिल से स्वागत एडजस्टमेंट। हम पार्षद है राजगढ़ नगर परिषद वार्ड क्रमांक 15 से, कांग्रेस का स्वागत करेंगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत का। तो देखा आपने कि अलग अलग राय है लोगों की, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हालांकि वो बचने से नजर भी आए, भागते हुए नजर आए जब हमने सवाल पूछा, तो वहीं बीजेपी का कार्यकर्ता है कि ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। चुनाव है, लगातार दल बदल जारी है, और देखना ये होगा कि चुनाव में तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन चुनाव के बाद किस तरीके से एक दूसरे के दल, दोनों ही दलों की हम बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो एक दूसरे के नेता और कार्यकर्ता को पचा पाते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, खबर विभाग, भोपाल।